आ कबो कबो होता है कि कोई संग लड़ाई झगड़ा गलो कपार कान फर वो लोग हाथ टूट गए, भगवान करे को हाथ टूट जाए। ये क्या है? विश प्रे कर्स ब्लेस एक्सेट्रा में बदल दिया जाता है। मे यू गेट सक्सेस, तुम सफल हो जाओ, या आशीर्वाद दिया ला ना, तू सफल हो जा, ढेर सारा आशीर्वाद बा, तू का हो जा, सफल हो जा। तो सफल हो जा तो ये आशीर्वाद है ना। इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसका मैंने जिक्र कर चुका हूं, ये सैटरडे वाले क्लास में आप लोग देखे होंगे, इसका जिक्र मैंने किया था। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है? कहा जाता है कि द सेंटेंस विच डिनोट्स विश कर्स प्रे ठीक है एक्सेट्रा इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। वो वाक्य जो आशीर्वाद अभिशाप कल्पना सॉरी मैंने आशीर्वाद अभिशाप इच्छा या अनुमान इच्छा या कह सकते हैं कि प्रार्थना इत्यादि को दर्शाता है उसे ऑपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इच्छा बोधक वाक्य कहा जाता है। सर इच्छा बोधक वाक्य क्या कहता है? इच्छा बोधक वाक्य वो होता है कि हमारे और आपके बिहेव पर निर्भर करता है कि आपका बिहेव मेरे साथ कैसा व्यवहार कैसा है उस पर। सपोज मान लीजिए कोई दुश्मन है ठीक है, कोई दुश्मन है, अगर उसका एकदम स्थिति खराब है तो उसके लिए कोई जो है कामना नहीं करेगा, अभिशाप देगा, वह जल्दी मर जाए। वो क्या हो जाए? जल्दी मर जाए। तो वो क्या हुआ? अभिशाप हुआ। तो वो किस पर निर्भर कर रहा? उस दुश्मन के निर्भर किया कि वो कैसा दुश्मनी है। कुछ लोग होते जिसे मान लीजिए मेरा बेटा एग्जाम देने जा रहा है तो हम उसको आशीर्वाद देंगे, क्या देंगे? आशीर्वाद देंगे, तो आप ब्लेस हो गया, उसके साथ रिलेशन हम देख रहे हैं कि अच्छा है, नहीं होता है जी। और कब कब होता है कि कोई संग लड़ाई झगड़ा गलो कपार कान फर वो लोग हाथ टूट गए, भगवान करे को हाथ टूट जाए। ये क्या है? अभिशाप है। ये क्या है? अभिशाप है। ये सारे सेंटेंस को दर्शाने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्टेटिव। मैंने बताया भी था एक चीज कि आशीर्वाद जानते हो हम लोगों के समाज के अनुसार अलग अलग तरीके से होता है, बताया ना था जी। जैसे मैंने जिक्र किया था कि तुम ही देखो ना गांव में रहते, तुम ससरा में रहते हो, तुम तनी गांव पर जाओ ना, दादी को प्रणाम करो, तुरंत कहेंगे जीते रहो, जीने का आशीर्वाद देती। जानते हो कहे उसका दादी का उम्र जो है ज्यादा बड़ा होता है, तुम सोचती है कि मेरी उम्र लग जाए, जीते रहो। लेकिन जैसे माँ को प्रणाम करते हैं, पिता को प्रणाम करते, तुरंत कहते खुश रहो, खुश रहो। अगर साधु महात्मा को प्रणाम कीजिएगा तो आयुष्मान भव का आशीर्वाद मिलता है, लेकिन अगर हम उम्र कोई भौजाई की प्रणाम करो तुरंत कहेंगे जल्दी ब्याह हो जाओ, क्योंकि उनके साथ का रिलेशन आपके साथ का रिलेशन संबंध वह निर्भर करता है। तो हाँ वो इच्छा है। तो ये सारे चीजों को दर्शाने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस का। सीधा कर ऑप्टेटिव सेंटेंस का मैंने दो डेफिनेशन बताया है कि द सेंटेंस विच डिनोट्स, वो सेंटेंस जो दर्शाता हो इंटरनली आंतरिक विश प्रे कर्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। वह सेंटेंस वह वाक्य जो आंतरिक इच्छा आशीर्वाद अभिशाप प्रार्थना इत्यादि को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। क्या कहते हैं? जब कहा बोला था कि ये लिख लीजिएगा आप लोग कि द सेंटेंस विच डिनोट्स विश ब्लेस प्रे कर्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी वह वाक्य जो आशीर्वाद अभिशाप इच्छा या कामना या प्रार्थना को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इतना तक मैंने क्या किया था? बताया था। कोई दिक्कत नहीं है? ऑप्टेटिव सेंटेंस का शुरुआत किस से किया जाता है? मे शब्द से। किस से होता है बाबू? मे शब्द से। जो लोग भी कल क्लास नहीं किए होंगे उस दिन सैटरडे को क्लास, वो यहां से आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए मे स्ट्रक्चर आपका ये हो जाता है ऑप्टेटिव का। ऑप्टेटिव सेंटेंस का आपका स्ट्रक्चर है मे प्लस सब्जेक्ट वी वन ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये सिंबल होना अनिवार्य है। ये कौची होना जरूरी है? सिंबल होना अनिवार्य है। ये जो है एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। ये सिंबल होना इसलिए अनिवार्य है कि इसके बिना जो है भाव अलग निकल जाता है। क्या निकलता है? अलग। जिसमें मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग कहने का मतलब है कि देखो मे यू लिव लॉन्ग ये क्या लग रहा है? जीते रहो। क्या लग रहा है? जीते रहो। तो ये बताइए ये सेंटेंस जो है क्या है? जीते रहो आशीर्वाद है, अभिशाप है क्या है? जीते रहो जीत रहो इका हो आशीर्वाद हो, यानी जी क्या कर जी ब्लेस। लेकिन कह रहा है कि मैं ही डाई सुनू जल्दी मर जाए, अभिशाप है ना जी, या अभिशाप है, यानी क्या हो जाएगा? क
कर्स हो जाएगा। ये बड़ी जरूरी है लिखना, क्योंकि यही भाव समझ समझ के हम नारी से बनाएंगे। तीसरा, मे ही फेल इन द एग्जाम, वो परीक्षा में फेल हो जाए। आशीर्वाद हो का हो, अभिशाप हो, यानी क्या हो जाएगा, कर्स। और एगो कह रहा है कि मे यू हैव प्लीजेंट जर्नी, आपका यात्रा मंगलमय हो, कामना है, प्रार्थना या कामना है ना जी। इसको कह सकते हैं विश या प्रे, ये हो जाएगा कौची, कोई दिक्कत हाँ कीजिएगा। रूल नंबर फर्स्ट लिखिए, रूल नंबर फर्स्ट लिखे, यदि रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्टिव सेंटेंस रहे या हाँ, रूल नंबर फर्स्ट इसका वो तो डिफिनेशन था ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का, यहाँ से रूल नंबर फर्स्ट लिखेगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्टिव सेंटेंस रहे, इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय यदि रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्टिव सेंटेंस रहे तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब, इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब जानते हैं क्या कह जला क्या के से या से टू को, रिपोर्टिंग वर्ब से या से टू को भाव के अनुसार विश प्रे कर्स ब्लेस एक्सेट्रा में बदल दिया जाता है। अब सर जी कब विश करेंगे, कब प्रे करेंगे, कब कर्स करेंगे, कब ब्लेस करेंगे, अब सेंटेंस में पढ़िएगा ना तो पता चल जाएगा रिपोर्टेड स्पीच में क्या आया है, ठीक है। जैसे मैंने इसमें बताया, आपको नहीं लग रहा है कवना में ब्लेस करे के चाहिए, कवना में कर्स, कवना में विश, पता ना चल जाए। उसी तरह से सेम क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए समझिएगा, मैं जितना बताया हूँ उसी पर आप लोग खाली फोकस कीजिएगा, हावड़ाइएगा मत, ठीक है। जितना मैंने बताया उस पर थोड़ा सा फोकस करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कह रहा है यहाँ पर कि सी सेड टू मी, वह मुझसे कही कि मे यू लिव लॉन्ग, तुम जीते रहो, ये तुम जीते रहो, ये आप लोगों को क्या लग रहा है, आशीर्वाद के अभिशाप, जीत रहो क्या लगता है, आशीर्वाद न जी, आशीर्वाद लग रहा है तो सर जी इसका मतलब कि कौची ब्लेस लग रहा है। जब ब्लेस लग रहा है, जब रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्टिव सेंटेंस रहे और इससे ब्लेस का भाव निकले, ब्लेस का भाव निकले, तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को ब्लेस में बदल देंगे, किस में बदल देंगे, ब्लेस में। तो हेजगी लिखल जी सी बात सी आई हर जाई आजगी ब्लेस के भाव निकलता आई भी टू बात का हो जी ब्लेस्ड का जगह ब्लेस्ड आजगी कहती हो जी मी। बस इतना ही मैंने खाली बताया है, जिससे अच्छा बताओ हेजगी कौची बा, मे गॉड सेव हर, भगवान उसे बचाए, भगवान उसे बचाए, आप क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं ना जी। जब प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रार्थना का अंग्रेजी क्या होता है, देखो प्रार्थना का अंग्रेजी प्रे होता है, प्रे होता है ना जी। तो अब देखो इसकी सेड बा तो ही आप प्रे का भी टू जो होगा प्रेड हो जाएगा, कह जाएगा प्रेड ही प्रेड। अब हेने का होखेला ना होखेला एने अभी बताइले नहीं खे। तीसरा कह रहा है कि मे यू डाई सुन, मर जाओ, ये क्या लग रहा है, मर जाओ आशीर्वाद है, अभिशाप है ना जी। अभिशाप का आपको कहाँ लग रहा है, कर्स, अभिशाप का क्या होता है, कर्स होता है, याद रखना पड़ेगा ये सब चीज, ठीक ना, अभिशाप का कर्स होता है। तो हेजगी अगर बना जी, हेजगी हेजगी तो सी हो जाएगा सी, हेजगी का बदल जाएगा, कर्स में बदल जाएगा, हेजगी मी होता मी। अब हेने क्या होता नहीं होता है, मैं इसके बारे में अभी तक कोई जिक्र नहीं कहता है, लेकिन हाई हेजगी तक समझ में आएगा ना होला, हेने सर जी का होखी ना होखी, मैंने कहा इसके बारे में अभी विचार आप मत कीजिए, मैं बताऊंगा एक रूल लिखवाते चलूंगा और आप लोगों को क्लियर करते जाऊंगा। आप एग्जाम्पल में खाली ये वो लिख लीजिए दैट आई माइट लिव लॉन्ग, बस यही खाली लिख लीजिए, हाँ ये दोनों छोड़ दीजिएगा, अगला बार में वो लिखवाएंगे, ऊपर वाला खाली एग्जाम्पल डाल दीजिए। रूल नंबर दो लिखिए, रूल नंबर दो, रूल नंबर दो लिखिए, तो देखेंगे डायरेक्ट नरेशन में प्रयुक्त इन्वर्टेड कॉमास को इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय हटा दिया जाता है, डायरेक्ट नरेशन और दैट का प्रयोग रिपोर्टिंग स्पीच तथा रिपोर्टेड स्पीच के बीच
में किया जाता है और दैट का प्रयोग रिपोर्टिंग स्पीच तथा रिपोर्टेड स्पीच के बीच में किया जाता है. जैसे समझो एग्जांपल सुना. सुनिएगा, हाई वाला मान लीजिए सेम हम एग्जांपल ऊपर वाला जो है जो ऊपर लिखे होंगे वही वाला चीज है. हाई वाला मैंने एग्जांपल लिखा, आप विचार करने का प्रयास कीजिएगा, मैं जितना बताऊंगा उतना. ही सेड, वो कहा, मे गॉड सेव हर, भगवान उसे बचाए, भगवान उसे बचाए. हमने भगवान से क्या कहा, प्रार्थना किया. जब प्रार्थना का भाव निकल रहा है तो यहाँ सेड कौचिम बदल जाएगा, प्रेड में बदल जाएगा ना. हो इतना तक समझ में आया ना, ही प्रेड. अब बताओ, अब कहता कि हई कमुआ तथा हई इन्वर्टेड कमुआ, हई इन्वर्टेड कमुआ हटी, आ हई जब कमुआ जाई तो का आई, का आई, दैट आवेला. बहुत बढ़िया, यहाँ तक सही है. मैंने ई रूल में इतना ही खाली पढ़ाया है, ये ना बताया जी. सेम यही कंडीशन है यहाँ भी. अब हेकरा हेने का होखी ना होखी, एकरा बारे में अभी मैंने कोई जिक्र नहीं किया कि गॉड कैसे हुआ, माइट कैसे हुआ, सेव कैसे हुआ, हर कैसे हुआ, इसके बारे में मैंने अभी जिक्र किया है नहीं. खाली मैंने दैट का केस बताया. हेजगी बताओ, हेजगी तक सही बा, हाई वाला सही बा ना. अब बताओ हेजगी अगर बनाने को कि तो हई वाला हटाइब, हई वाला हटाइब तो का लेब, दैट लेब ना, हेजगी लेब दैट. अब एकरा आगे का होखी, एकरा बारे में अभी बताया है मैंने नहीं बताया, फिर भी अभी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. अभी बता देंगे अगला रूल में, बस क्लियर हो जाए और बने लगे. आई माइट डाई, सुन कोई दिक्कत है, इसको लिख लिया, दोनों एग्जाम्पल डाल लीजिए, उसके बाद हम लोग. हाँ बोलिए, जिसके जी नहीं, फुल स्टॉप, इसके बाद लिखवाएंगे, टेंशन मत लीजिए. इसको लिख लीजिए, लिखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्टिव सेंटेंस रहे तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय उसे असर्टिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है. यदि सुनो सुनो, असर्टिव में कैसे बदल जाला, बड़ी आसान तरीका है. ऑब्जेक्टिव का स्ट्रक्चर मैंने बताया था, मैं सब्जेक्ट वी वन ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट अहेजिका रहेला एक्सक्लामेशन मार्क, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस. क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव. इसको असर्टिव में बदलेंगे तो कुछ नहीं क्या करेगा, देखो सब्जेक्ट बस शुरू में हो जाए और उसके बाद क्या हो जाएगा, मैं आ जाएगा, वी वन ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एजगी, अब एक्सक्लामेशन मार्क ना रही, फुल स्टॉप हो जाला. क्या हो जाला, फुल स्टॉप. समझा गया ना, कब असर्टिव सेंटेंस में हमेशा फुल स्टॉप ही होता है, यही तो बदलते हैं, इसी को कहते हैं ऑब्जेक्टिव असर्टिव सेंटेंस. देखो समझिएगा, आपके सामने एग्जांपल ले लेते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा. जैसे कहने का मतलब है कि ये हो गया हमारा डायरेक्ट नरेशन और ये हो गया इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है. ये हो गया स्ट्रक्चर, देखो डायरेक्ट में रहेगा यही, मे प्लस सब्जेक्ट वी वन ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, और हो गया इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो सब्जेक्ट, देखो क्या बोल रहा है कि सब्जेक्टवा हेने चल गई बा आ मैं हेने आ गई बा. देखो सब्जेक्ट हेने आ गई, मैं वी वन मतलब वी वन ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, आ हई वाला चिन्हवा हटा के का आ गई बा, फुल स्टॉप आ गई बा. कोई दिक्कत सर, डबल नहीं है, हाई कॉम्प्लीमेंट का शॉर्ट फॉर्म है तो जी गोल बा, हाई वाला हमारा फुल स्टॉप हो गए, कोई दिक्कत है. जैसे देखो, मे यू गेट दिस प्राइज, ठीक है, इसको अगर हम बनाएंगे तो यू शुरू में हो जाए, ठीक है, आ मैं हेजगी चलाए यू में, आ गेट बात गेट, आ दिस बात दिस, आ प्राइज बात प्राइज, हेजगी फुल स्टॉप हो गए ना, बन जाए यही तो सटी में बदले के बा, बदला जाए. चले इसको लिख लीजिए और बनाइए, का करे के बा, मन गोल बाबू, एकरा का बनल बड़ जा, एकरा का बनल जी, सी सॉरी सी में डाई, सुन देखो तो सही बना, यहाँ पर का बने हो जा, गॉट में सेव यू, बन जाई यहाँ जाएगा आवर डेमोक्रेसी में लिव लॉन्ग, आवर डेमोक्रेसी में लिव लॉन्ग, सही हो जाएगा ना, कोई दिक्कत. अब आपके सामने रहा नरेशन का क्वेश्चन, तैयार हैं, आर यू रेडी फॉर दिस, यस. आपके सामने देयर आर फाइव क्वेश्चन, हाँ क्या बताना पड़ेगा, एक बता देते हैं बाकी समझिए.
खड़ा जाओ बच्चे, हाँ डरो मत। मे यू लिव लॉन्ग, तुम जीते रहो, ये आशीर्वाद है कि अभिशाप है। आशीर्वाद का अंग्रेजी क्या होखला? ब्लेस। क्या होखला? ब्लेस। क्या होखला? ब्लेस। तो देखो मदर ये सेट टू को बदल देंगे कोची में ब्लेस्ड में, मदर ब्लेस्ड मी। हई अहई अहई जाई तो का आई, का आई दैट आई है जी, लिखबू दैट। हई अला हेने चल जला, हई अला हेने वाला। यू कौन पर्सन, केकरा अनुसार, ऑब्जेक्ट का हो, मी हो सब्जेक्ट का बनी, मे के कोची में बदलला, नरेशन में मे को माइट में बदला जाता है, कोची में बदलता है माइट, सही है। ओकरा बाद लिव बता, लिव अलोंग बता, लॉन्ग बन तो गल ना बनी, मनावा जाता मनाइए। मे यू डाई सुन, ये क्या लग रहा है बाबू, अभिशाप लग रहा है? तो देखो मे यू डाई सुन, जल्दी मर जाओ, ये क्या आशीर्वाद है कि अभिशाप है? अभिशाप है। बनाएंगे दे, अभिशाप का अंग्रेजी क्या होता है? कर्स्ड, सही है। दे कर्स्ड, अहिम है तो हिम, सही है। देखो गलती लिखी थी ना, अच्छा ये छोड़ दी थी, अच्छा दे कर्स्ड हिम, सही है। अहाई अल्लाह, अहाई अल्लाह तथा हाई जाई तो का आई दैट। अब हाई अल्लाह है ना जी, ना हो अहाई अल्लाह नहीं। यू कौन पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट क्या होगा? ही। अब मे को कोची में बदला जाएगा, माइट डाई सुन, देखो तो सही बा। अच्छा बताओ, मे यू गेट सक्सेस, तुम सफल हो जाओ, ये आशीर्वाद दिया ला ना, तू सफल हो जा, ढेर सारा आशीर्वाद बा, तू का हो जा, सफल हो जा। तो सफल हो जा तो ये आशीर्वाद है ना, जब आशीर्वाद है तो है जी की मोहित का करता, मोहित ब्लेस्ड मी, मोहित मुझसे क्या किया, आशीर्वाद दिया। अब हेकरा के, अहेकरा के तथा हेकरा का हटेब तो का लेब दैट, सही बा। ई कौन पर्सन, किसके अनुसार, यानी क्या हो जाएगा, आई माइट, माइट गेट सक्सेस, सही है। देखा था सही बा। आई करे के मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपको मदद करे, ये क्या लग रहा है, प्रार्थना लग रहा है। तो ये प्रार्थना के करता, संत लोग के करता, संत द सेंट प्रेड, जो साधु महात्मा होते हैं वो प्रार्थना प्रार्थना किए की का कि मे गॉड हेल्प, भगवान आप लोगों को मदद करें। अब बताइए यहाँ पर ठीक है, गॉड होगा तो गॉड, थर्ड पर्सन नो चेंज, माइट ये भी सही है, हेल्प भी सही है। अब बताओ यू कौन पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट ना रहे तो फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मी। पूछेंगे सर मी ज्यादा बेहतर होगा कि ज्यादा बेहतर होगा अस, तो साधु महात्मा को एक व्यक्ति के लिए नहीं करते हैं, हम सब लोगों के लिए करते हैं, इसलिए मी से बेहतर क्या होगा, अस होगा। क्या होगा, अस, सही है। चलिए हाई वाला क्वेश्चन पर विचार करते हैं, ये वाला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मे यू गेट दिस प्राइज, तुम इस प्राइज को जीत लो, यानी मां अपने बेटे को कही का दी, आशीर्वाद दी कि देखो इनाम जीते के बतोरा, आशीर्वाद दी ना जी, यानी क्या बने मजा, द मदर ब्लेस्ड, ब्लेस्ड हर सन दैट। अब बताओ यू कौन पर्सन, इसके अनुसार, हर सन लड़का है तो ही हो जाएगा ना, ही, हाँ विश भी कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर होगा माइट, ही माइट गेट, दिस को कौची में बदलते हैं दैट, और यहाँ क्या हो जाएगा प्राइज, देख लीजिए तो कोई दिक्कत है। और आज इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।